ऑब्जेक्टिव पे काम करें, मतलब हम हर किसी को कोई भी काम करें तो उसका ऑब्जेक्टिव सोचना चाहिए कि हम ये काम क्यों करना चाहते हैं। तो ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है हमें हेल्प करती है अपने एसएलओज डेवलप करने में, क्योंकि एज अ टीचर हमारा सबसे ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव कौन से ऑब्जेक्टिव पर हम काम करते हैं, एसएलओज पे काम करते हैं, स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स पे काम करते हैं। तो जो ब्लूम की डीवी टैक्सोनॉमी थी इसने तमाम टीचर्स के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने एसएलओज डेवलप करते हैं। हमें एसएलओ डेवलप करने से क्या फ़ायदा पहुंचता है, अगर एसएलओ डेवलप करने का फ़ायदा टीचर को भी पहुंचता है और स्टूडेंट को भी पहुंचता है। टीचर को यह फ़ायदा होता है कि उसे पता होता है कि आप उसने क्या जाके पढ़ाना है, और बच्चे को भी पता होता है कि अब हमें क्या कुछ पढ़ने वाला, यानी जो कम्युनिकेशन का इंटरचेंज होगा दे विल बी अवेयर ऑफ दैट इंटरचेंज। अगर हमारे पास ऑलरेडी एसएलओज डिफाइंड होंगे तो टीचर और स्टूडेंट दोनों ही अपने ऑब्जेक्टिव उनके लिए क्लैरिफाई होगा तो काम करना आसान होगा। वो लोग जो विदाउट प्लानिंग विदाउट एसएलओज काम करते हैं उनके जो ज़्यादातर लर्निंग होती है वो लोअर लेवल की लर्निंग होती है। अच्छा, आपको मैं लोअर लेवल और हायर लेवल की लर्निंग भी बताती हूँ। जो हमारे पास ये कॉग्निटिव डोमेन्स हमने डिस्कस की, इसके जो इनिशियल थ्री डोमेन्स हैं जिसमें आ जाते हैं हमारे पास